धनबाद शहर के सबसे व्यस्ततम मार्ग लूबी सर्कुलर रोड पर कला भवन के समीप मंगलवार को कार में बैठे परिवार से छिनतई की एक चौंकाने वाली घटना घटी। बाइक सवार अपराधियों ने 2.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। घटना का तरीका भी काफी अजीब था। लोग कहते हैं कि 2-व्हीलर पर लूट की घटना को अंजाम देना आसान होता है, लेकिन अपराधियों ने 4-व्हीलर पर जा रहे परिवार को ऐसा धोखा दिया कि फिर लूट की घटना को अंजाम दिया कि लोग सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। जानकारी के अनुसार धनबाद के ऑफिसर कॉलोनी में रहने वाले परिवार में सोमवार को शादी थी। शादी के बाद लोगों का बकाया भुगतान के लिए आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 2.5 लाख रुपए लेकर गाड़ी से परिवार हाउसिंग कॉलोनी की ओर जा रहा था। परिवार जब घर जा रहा था कि कला भवन के समीप बाइक सवार अपराधियों ने गाड़ी रोकने का इशारा करते हुए कहा कि गाड़ी के चक्का में ओढ़नी फंस रही है। गाड़ी सवार ने गाड़ी रोक, उसके बाद मौका ताड़ते हुए अपराधियों ने 2.5 लाख रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। शादी का घर तो है, तो बैंड बराती वालों को पैसा भी देना था, इसलिए हम लोग को क्या हुआ, बैंड को भेज दिए थे पैसा जो कि अंकल के नाम से अकाउंट है, ठीक है। तो वो बोला कि सुबह 11 बजे गया था पैसे लाने के लिए, कुछ बैंक में डिफेक्ट हुआ, टोटी हुआ है, तो वो वहाँ पर रुक गया था। बोला कि भैया थोड़ा साइबर थोड़ा स्लो चल रहा है, शटडाउन भी है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम बोले ठीक है, तो बोला कि भैया थोड़ा आइए, हमको भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा, अब साथ में चलेंगे घर। तो हम गए दोबारा और देखे तो वहाँ पर पैसे भी थोड़ा लेट से अभी पैसा मिला, 3:30 बजे के आसपास चेक पास हुआ। तो वहाँ से निकले, हम बोले कि तुम एक काम करो, तुम घर से जा सकते हो ना। तो बोले कितने पैसे का निकासी आप लोग ने किया था वहाँ पे बैंक से, कितना? 2,50,000। आप लोग रहने वाले कहाँ के? धनबाद। धनबाद में किस कॉलोनी के रहने वाले? PhD कॉलेज का ऑफिसर कॉलेज। और ये जो पूरी घटना है कहाँ पे घटी है? घटना भी SSLNT कॉलेज की थोड़ा आगे बढ़ा है, थोड़ा सा। बाइक सवार थे जो अपराधी? हाँ। कितने लोग थे उसमें? 2 आदमी। क्या कहा उसने? वो बोला कि बहन को बोला कि सिस्टर आपका दुपट्टा पहिया में जा रहा है, थोड़ा साइड करके उठा लीजिए, ठीक है। तो जैसे वो गाड़ी साइड किया उतना में तुरंत खींच के भाग गया। बैग में था? हाँ, पैसा बैग में था, हैंड बैग में। तो और अभी सिस्टर के साथ कौन मौजूद था? साथ वो अकेले था, हम थोड़ा पीछे हट गए थे। वो बैंक से अकेले आ रही थी? नहीं, बैंक से नहीं, वो मतलब मोड़ से तीनों मिलकर मोड़ तक गए। मोड़ से थोड़ा हम बोले कि थोड़ा मेरा काम है, सेविंग करवाना है, तो हम रुक जाते हैं। तो तुम आगे, वो बोला कि मैं जा सकता हूँ, मैं चल जाऊंगा भैया, आप करवा के आइए। घर में शादी कब थी? शादी तो कल ही था। आज बैंड बराती को पैसा देना। अच्छा, पेमेंट करा था? हाँ, पेमेंट करना था। इसकी लिखित शिकायत आप लोगों ने धनबाद थाने को दे दी? हाँ, अभी किए थे। तो यहाँ पे क्या कुछ कहा गया अभी फिलहाल? बोले कि जांच के लिए बोलेंगे, और गए हैं स्टेट बैंक में देखने के लिए फुटेज वगैरह। घटना कितने बजे की है? 3:30 बजे के आसपास। इस घटना के बाद इसकी सूचना धनबाद थाने को दी गई है। पुलिस इस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।